हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्नी द वे ऑफ सॉल्यूशन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हायर पर्चेज सिस्टम के प्रैक्टिकल पोर्शंस के बारे में। बट और हमने लास्ट टाइम अपना डिस्कस किया था हायर पर्चेज सिस्टम के थ्योरेटिकल पोर्शन में कि क्या है हमारा हायर पर्चेज सिस्टम, क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तीन पॉइंट हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हायर पर्चेज सिस्टम के प्रैक्टिकल पोर्शंस के बारे में। क्योंकि हायर पर्चेज सिस्टम के जो प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं उसे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो अभी हम एक सिंपल सी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन रहती हैं और हमें क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। बात रही जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री हम आपको लास्ट क्लासेस में बताएंगे कैसे जर्नल एंट्री को पास आउट करेंगे। आज हम टेबल को बनाना और टेबल को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम टेबल में उस डेटा को फेच करके सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड साइड येलो आइकन में दिख रहा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझिए। और जिनको हिंदी में समझना है मैं उन्हें बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं कि ऑन 1 जनवरी 1994 राम एंड सन्स परचेज्ड अ मशीन। राम एंड सन्स 1 जनवरी 1994 में एक मशीन को परचेज करते हैं हायर परचेज सिस्टम पे, एंड द कैश वैल्यू देयर फॉर बीइंग ₹40,000। और उसकी कैश वैल्यू 40,000 है, जिसकी कैश वैल्यू 40,000 है, यानी कि राम एंड सन्स ने एक मशीन को 94 में परचेज किया है, इसकी कैश वैल्यू है 40,000। और उसको परचेज करते टाइम पे उन्होंने एक एडवांस पेमेंट दिया है ₹12,750, यानी कि जब वो परचेज कर रहे थे उस पर्टिकुलर मशीन को तो उन्होंने ₹12,750 उसे पेमेंट किया। इसके अलावा ₹10,000 की 3 सालाना किश्तें भी उन्होंने बनवाई, यानी कि 3 किश्त वो ₹10,000 की एक साल में, एक एक साल करके 3 बार में वो पेमेंट करेंगे, और ₹12,750 उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दिया। आगे कह रहा है कि इस पर लगने वाला जो ब्याज यानी इंटरेस्ट है वो 5% लगेगा, और लगने वाला डेप्रिसिएशन ही ह्रास वो 10% रहेगा। डेप्रिसिएशन के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये किस मेथड से लगाना है और किस मेथड से नहीं, इसको हम अपने अगली क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल से एक टेबल को सॉल्व करना जानेंगे। क्वेश्चंस में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, फर्स्टली हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कैश वैल्यू हमें क्वेश्चंस में कितनी दे रखी है, 40,000। यहाँ पर कैश वैल्यू है 40,000, यानी द कैश वैल्यू देयर ऑफ बीइंग ₹40,000, कैश वैल्यू उसकी है 40,000। और राम जी ने एडवांस ₹12,750 दे रखा है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी, एडवांस पेमेंट होगी ₹12,750। फिर उन्होंने कहा मैं 10,000 की 3 किस्तें भी अदा करूंगा सालाना, तो टोटल ओवरऑल अगर मैं पेमेंट देखूं तो ओवरऑल कितना पेमेंट राम जी कर रहे हैं वो देखते हैं। पहले एक पेमेंट कर रहे हैं ₹12,750 की, उसके बाद उन्होंने पेमेंट किया है ₹10,000 की 3 किस्तें कर दिया है उन्होंने पेमेंट, यानी टोटल पेमेंट जो उन्होंने कर दिया है ₹42,750, ये उन्होंने पेमेंट कर दिया है। लेकिन एक्चुअली जो उसकी वैल्यू थी, कीमत थी उस मशीनरी की, वो थी 40,000। इट मीन्स कि उन्होंने जो पेमेंट किया है यानी ₹42,750, इसमें उन्होंने ₹40,000 जो कि कैश वैल्यू थी मशीन की, प्लस ₹2,750 इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट यानी कि ₹2,750 उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। अब देखते हैं फाइनली हम इसको इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। अगर देखा जाए टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम करेंगे टोटल कैश वैल्यू कितनी थी इसकी, कैश वैल्यू थी 40,000। हमने पेमेंट कितना कर दिया, 42750, यानी कि इसकी कैश वैल्यू कितनी हो गई, ₹2,750। हमें देना था ₹40,000, हमने ₹42,750 दे दिए, यानी कि जो ₹2,750 हमने दिए हैं वो मेरा ब्याज है, इंटरेस्ट है। अब ये टोटल इंटरेस्ट है, अब इसी इंटरेस्ट को हमें ईयरली वाइज कैलकुलेट करना है कि हम ईयरली में कितना पेमेंट कर रहे हैं। सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसके सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं।
आप स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है ये हमने पता कर लिया। कैसे पता किया था हमने कि हमें देना था 40,000 रुपये, हमने दे दिया 42,750 रुपये, यानी उसमें ऑलरेडी ब्याज जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जब इंटरेस्ट जुड़ा होता है तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब हमने एनालिटिकल टेबल एक बनाएंगे, इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। आपको हो सकता है अदर वीडियोस में क्या कहते हैं कॉलम्स ज़्यादा कम हो सकते हैं, या आपके बुक में कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा या फिर कम हो सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा इसको ड्रैग ना करते हुए सिर्फ 3 कॉलम में से सबमिशन कर रहे हैं ताकि आसानी से आपको भी समझ में आए। तो फर्स्ट हम पहला कॉलम जो हमने बनाया कैश प्राइस, नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट, कैलकुलेशन करेंगे उसमें, और थर्ड कॉलम है हमारा इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि हमने कैश प्राइस उसकी कितनी थी, 40,000 हमने क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं 40,000। तो हमने कैश प्राइस ऑफ कॉलम बनाया, इंटरेस्ट कॉलम बनाया, इंस्टॉलमेंट कॉलम बनाया, और हमने सबसे पहले सीपी यानी कैश प्राइस लिख दिया। कैश प्राइस हमने डाल दिया कितनी थी, 40,000, एज इट इज़ हमने कैश प्राइस को मैंशन कर दिया 40,000, सॉरी फ्रेंड्स, एंड हाँ 40,000 रुपये हमने कर दिया। नेक्स्ट हमें को दे रखा है कि ही हैड एडवांस ₹12,750, 12,750 रुपये उन्होंने एडवांस दे दी। अब एडवांस पेमेंट जो करते हैं उसी पेमेंट को हम कहते हैं डाउन पेमेंट, या फिर एडवांस पेमेंट भी आप कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो जब 40,000 रुपये उसकी कुल कॉस्टिंग थी कैश प्राइस, उसमें से हमने 12,750 रुपये भी पेमेंट कर दिया तुरंत। तो जब 12,750 रुपये हमने पेमेंट कर दिया है तो इस 12,750 रुपये पर हमें ब्याज तो देना नहीं है और ना ही हमको 40,000 पे ब्याज देना है। हमें ब्याज किस पे देना है, जो अभी पैसा देना बाकी है हमारा, हमें 40,000 रुपये देना था, हमने दे दिया है 12,750 रुपये, यानी अब मुझे पैसा कितना देना है, 27,250 रुपये हमें देना है। देखिए भैया मेंशन है कैश प्राइस कितनी थी 40,000 रुपये, डाउन पेमेंट हमने कर दिया 12,750 रुपये। अब इस डाउन पेमेंट को हम लेस कर देंगे, घटा देंगे। घटाते क्यों हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और हमें कैलकुलेट तो इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, बची हुई राशि पर, यानी आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो रहेगी हम उस पर 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे। हमारी कैश वैल्यू थी 40,000, हमने डाउन पेमेंट कर दी 12,750, अब मेरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट आ गई है 27,250, यानी अब जो इंटरेस्ट लगेगा 27,250 रुपये पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनुअल। अब 12,750 रुपये लेस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 27,250 रुपये। हमने नेक्स्ट कॉलम में इंटरेस्ट के कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 27,250 रुपये पर 5% यानी कि 5/100 इज इक्वल 1362.50, यानी 1,362.50 का कैलकुलेशन किया। 27,250 रुपये पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1362.50 आएगा, यानी अब मेरा पहले साल का जो इंटरेस्ट आया है वो 1,362.50 का आया है। अब जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट हमारा इंक्लूडेड है। हमने आपको अब यहाँ बताया भी कि अगर हमने पेमेंट किया है इनको, फर्स्ट टाइम हमने 12,750 दे दिया, फिर 10,000 की हमने 3 किस्तें बना दी इनकी, तो हमने टोटल पेमेंट कर दिया 42,750 रुपये, यानी इन किस्तों में, इन 3 किस्तों में हमारा ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तभी मेरा 42,750 आ रहा है। तो अब इसमें ऑलरेडी ब्याज इंक्लूडेड है, यानी कि पहले साल में हमने कैलकुलेट कितना किया था 1,362.50, और पहले साल में हमने ब्याज 1,362.50 दिया और किस्त कितने की थी 10,000 रुपये की, इसका मतलब उस किस्त में ऑलरेडी मेरा 1,362 रुपये इंक्लूडेड है। कैसे पता, हमारे कैलकुलेशन के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, इस 10,000 रुपये में से 1,362 रुपये को हम लेस कर देंगे। 1,362.50 को हमने लेस किया, मेरे पास आ गया 8,637.50, यानी कि जो 10,000 रुपये हमने पेमेंट किया है उसमें उस पेमेंट में हमारे सॉरी एक मिनट
10,000, हाँ जो 10,000 हमने पेमेंट किया है उस पेमेंट में 10,000 में हमारा 1362.50 रुपये 0.50, 1362.50 रुपये ऑलरेडी क्या है मेरा ब्याज है, इंटरेस्ट है, ऑलरेडी मेरा वो इंटरेस्ट है 1362.50। 1362.50 मेरा ऑलरेडी वो इंटरेस्ट है, तो यानी कि अब 10,000 रुपये में से हम 1362.50 लेस कर देंगे तो मेरे पास कैश वैल्यू निकल कर आ जाएगी, आ गई 8,637.50। 8,637.50 ही मेरी कैश वैल्यू निकल दिया गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लेस कर देंगे, हमने लेस कर दिया, मेरे पास 8,637.50 आया। अब ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर अब आएंगे हम, हमें पेमेंट करना था 27,250 रुपये का। अब इसमें से ये मेरी कैश वैल्यू है ये टोटली, अब हम क्योंकि कैश वैल्यू में से हमने डीपी को लेस किया है तो मेरी ये बची हुई कैश वैल्यू बची है 27,250। 27,250 रुपये में अब मैंने कितना पेमेंट कैश वैल्यू का किया है, 86,37 रुपये, इसको हमने यहाँ लिखा नेक्स्ट ईयर 86,37.50। अब 27,250 हमको देना था जिसमें से मैंने 86,37.50 पे कर दिया, अब इसमें से लेस कर दिया हमने तो मेरे पास आ गया 18,612.50। 18,612.50 मेरे पास जो निकल के आया है सेम एज इट इज़, हम उस पर भी 5% का ब्याज लगा देंगे, 5% का हमने ब्याज लगाया, 930.63 रुपये आए। हमारी इंस्टॉलमेंट थी 10,000 की, हमने 10,000 लिखा, 10,000 में हमने इंटरेस्ट की वैल्यू को लेस कर दिया, इंटरेस्ट की वैल्यू लेस करने के बाद जो वैल्यू आई ये मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, कैश की वैल्यू हो गई। इस कैश की वैल्यू को हमने अगेन नेक्स्ट ईयर यहाँ 69,69.37 हमने यहाँ लिखा, 18,612.50 में हमने फिर इसको लेस कर दिया, मेरे पास 95,43.13 ये फिगर मेरे पास आ गई। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट ईयर का जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, अगर इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, एडेड है, ऐसे कंडीशन में अगर हम लास्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो हम इंस्टॉलमेंट में से कैश प्राइस घटा देते हैं लास्ट ईयर में, लेकिन ये चीज़ें हम लास्ट ईयर में ही करते हैं हमेशा, और क्यों करते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। 10,000 रुपये था मेरे पास इंस्टॉलमेंट का, 10,000 रुपये में से हमने 95,43.13 रुपये घटा दिया, ये कैश प्राइस जो थी लास्ट ईयर की, उसको घटाने के बाद जो आया वो मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया वही, और लास्ट ईयर में हमने कुछ नया नील कर देंगे हम। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फर्स्टली हमें माइंड में ये रखना है कि क्या हम इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, यानी कि जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं क्वेश्चन में अगर गिवन है इंस्टॉलमेंट, तो क्या उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा तो हमेशा हम उस इंटरेस्ट को उस इंस्टॉलमेंट में से घटाएंगे, उसके बाद जो फिगर आती है उसको हम कैश प्राइस यानी 40,000 से लेस कर रहे हैं, हमेशा हम यही करते रहेंगे जब भी हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। और लास्ट ईयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट ईयर हम इसलिए कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट में से लेस करते हैं सीपी को, ताकि हमारा जो फिगर आता है वो राउंड फिगर में आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे सपोज कि आप, मैं आपको दूसरी जगह पर दिखाता हूँ, अगर मेरा 9,453.13 यही फिगर आई थी मेरी, यानी कि 9,543.13 ये जो वैल्यू है हमारी, इस पर अगर मैं 5% लगाऊंगा, तो मेरा, इस पर अगर मैं 5% लगाता हूँ तो लगभग 477.15 रुपये आएगा। तो 477.15 रुपये जब आएगा तो इसको हम, सॉरी इसको हम अगर ऐड करते हैं इसमें, तो मेरे पास मेरी किस्त कितने की बनी, प्लस 10,020 रुपये की। इसी को हम राउंड फिगर करने के लिए हमने किस्त बनाई थी उनकी 10,000 की, यानी कि 10-20 रुपये हमने उन्हें छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया एक तरीके का। इसी तरीके का राउंड फिगर से बचने के लिए हम, सॉरी इसी तरीके के पॉइंट्स में वैल्यू जो आ जाए 20-25 रुपये से बचने के लिए हम इसे राउंड अप कर देते हैं, राउंड फिगर में कर देते हैं। इसी कारण से हम लास्ट ईयर का जो है
इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट में से ही कैश प्राइस को लेस करते हैं और उस ईयर की कैश प्राइस से लेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैंने मशीन को परचेज की थी तब उसकी वैल्यू थी कैश प्राइस की 40,000, बट हमारे पास थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9543.13 रुपये, क्योंकि हर बार हम पेमेंट करते चले जा रहे हैं, उसकी पेंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जो बचेगी हम उसमें से ही लेस करते चलेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी आज का ये क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम इसे कई क्राइटेरिया में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आज हमने व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में जब इंक्लूडेड हो, एडेड हो, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें दिए रहते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस किया था। अगर इसमें कोई इश्यूज आते हैं तो ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इसे इलिबरेट करके आपको बताएं, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ सके। सो आई होप फ्रेंड कि आज आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।